इन दोनों खिलाड़ियों को, इनफैक्ट तीनों खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। वहां पे ओपनिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, रुस्तम को वहां पे डाउन किया जाएगा। स्काउट के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी, वो आगे की तरफ मौजूद है, गेट कीप करना वो चाहते हैं, लेकिन वो जोन के बाहर जाके फाइट ले रहे हैं। चलिए, हेल को उन्होंने स्पॉट करके डाउन जरूर किया, एक बढ़िया स्प्रे आता हुआ नजर आएगा। सिचुएशन इवन स्टीवन, बट अब वो जो पुश की बारी है वो हमें देखने को मिलने वाली है। हेल डाउन, बचे हैं मात्र अकेले सोलो। देखना ये सोलो कितना बेहतर काम कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। यूएमपी उनके पास रहेगा, मान्य समाप्त हुए, ऑस्टिन उनको भी नॉक किया गया, सारंग सामने मौजूद रहेंगे, एक खिलाड़ी को स्पॉट किया गया वो सोलो के द्वारा। सारंग वर्सेस सोलो चलता हुआ, एचपी बॉक्स का कम हुई है सोलो की भी, बट स्काउट ओपी पीछे जो फ्लैंक करके गए थे वो उनके लिए काम आता हुआ। स्काउट ओपी दो फ्रैग्स और इसी के साथ संयम के द्वारा कैस्ट्रो की जो व्हीकल थी वो ब्लास्ट हुई, तो नॉक किए जाएंगे। रुस्तम वापस से अपने कदमों पर और आते ही अपना कारनामा दिखाते हुए नजर आएंगे। संयम को डाउन किया, टैप टैप शॉट्स देके खत्म करने की कोशिश रहेगी घातक, वो भी डाउन है। मुल्को प्लेयर्स पावर, अकेले खिलाड़ी बचे रहेंगे? जी नहीं, जोकर उनके साथ, छह टोटल फ्रैग्स, कल 18 निकाले थे और अभी भी अगर इन तीन को छोड़ दिया जाए 11 इस मैदान में, और ज़ेनो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, पर देखना यह है कि कितना ज्यादा देर तक। चलिए, ज्यादा देर तक नहीं, उनको भी डाउन किया जाएगा। और अब तीन टीम, 11 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए टीम स्काउट वर्सेस टीम घातक की जो फाइट है वो हमें यहाँ पर स्टार्ट होती नजर आएगी। जोकर को वहां पे डाउन किया गया, स्मोक का कवर बनाया जाएगा, लेकिन टीम आईफ्लिक से भी बचना पड़ेगा। टीम आईफ्लिक भी यहाँ पर भिड़ने के लिए आने वाले हैं, सर्कल के अंदर वो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। टीम स्काउट, तीन प्लेयर्स इनके सर्वाइव करने वाले हैं। साइम के ऊपर वो ग्रेनेड जाएगा, डाउन किए जाएंगे सरकार के द्वारा, बट अजित का एक बढ़िया ग्रेनेड, कल के दिन पे एमवीपी ये खिलाड़ी था, और एक बार फिर से जो शुरुआत है वो वहीं से होती है। रेज गॉड को स्पॉट किया है, एक बढ़िया स्प्रे वहां पर जरूर जा सकता है, बट रेज गॉड वो अब थोड़ा आगे आ चुके हैं, पीछे घातक को स्पॉट किया जा सकता है। चलिए, स्पॉट किया जाएगा, एक बढ़िया स्प्रे जाएगा रुस्तम के द्वारा, घातक को वहां पर डाउन भी किया जाएगा, बट अब स्काउट वहां पे डाउन होते नजर आएंगे। और ये जो मैच है वो टीम आईफ्लिक के पास भी जा सकता है, एक 2v2 का जो सिचुएशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये मोलोटोव कनेक्शन क्या बना पाएगा? जी नहीं, वो जो स्मोक था उसके अंदर एक प्रेडिक्टिव मोलोटोव जाता हुआ नजर आया, बट रुस्तम अब वो स्काउट को रिवाइव करने के लिए जाने वाले, सरकार को रिवाइव कर पाना अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। रेज गॉड वो ओपन में आया, उसको डाउन किया जा सकता है। चलिए, स्काउट का जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा, और अब एक 2v2 का सिनेरियो जहां पे आईफ्लिक वो अभी भी मौजूद, क्या रिवाइवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जी हां, रेज गॉड यहां पर मौजूद है, सरकार को वो रिवाइव कर जरूर सकते हैं। आदित्य एंड रुस्तम दो खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए, आईफ्लिक की बात करें पीछे से वो जो कवर फाइट है वो दिए जा रहे, स्पॉट किए जाएंगे, आईफ्लिक डाउन किए जाएंगे, बचते मात्र अकेले रेज गॉड। वो तो डोमिनेशन है टीम स्काउट का, वो एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ, एक बार फिर से वो जो विनर विनर चिकन डिनर है वो लेकर के जाएगी टीम स्काउट बैक टू बैक। इस टीम को रोक पाना लगभग असंभव,